प्रयागराज की ओर ले चलते, जहां पर प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के द्वारा 12 तहसील सभागार में पहुंच के तहसील में मौजूद क्षेत्रीय किसानों की समस्याओं को सुनना प्रारंभ किया, जिसमें किसानों के द्वारा सांसद महोदय के समक्ष सबसे ज्यादा बंद क्रय केंद्रों की शिकायत की गई, जिस पर वहां मौजूद किसानों के द्वारा बताया गया कि तहसील क्षेत्र में खुले ज्यादातर क्रय केंद्र केवल कागजों पर ही संचालित हो रहे हैं और बिचौलियों व दलाल क्षेत्रीय किसान से उनके धान खरीद करके क्रय केंद्रों पर बेच रहे हैं, जिस पर प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के द्वारा किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद उपजिलाधिकारी बारा को निर्देशित किया गया कि ऐसे क्रय केंद्र प्रभारियों को तत्काल कार्रवाई की जाए जो क्रय केंद्रों का संचालन सुचारू रूप से और नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं, जिससे